एक जुलाई को देश भर में होने वाले कानूनों में बदलाव को लेकर जिला पुलिस की ओर से एमजीएसयू सभागार में एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के पुलिस अधिकारी, लॉ के विद्यार्थी तथा अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए पुराने कानूनों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जिस समय वे कानून बनाए गए थे उस समय तक उनकी उपयोगिता काफी थी, लेकिन आज के समय में वे कानून पूर्ण रूप से समय के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने बताया कि अब पुलिस विभाग को परिवर्तित कानूनों के मुताबिक कार्यवाही नहीं करनी होगी। गंभीर आपराधिक मामलों में एफएसएल की सहायता लेनी अति आवश्यक है। उनका निभाते हुए यह सेशन रखा है, तो इसके लिए बीकानेर जिला पुलिस को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मुझे लगता है जिस ढंग से मैं इस सारे संशोधन को देख पाया हूँ, पहली बात यह है कि पहले जो हम जिस प्रक्रिया की पालना करते थे, अगर कोई क्राइम होता था उसमें पनिशमेंट होता था, दंड की न्याय मिले, दंड की धारणा जो होती है वो नेगेटिव कोनोटेशन है, तो पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ कोई भी जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए। और उसमें आप अगर देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था, उसके बाद अभी चेंज हो रहा है। उसी ढंग से भारतीय नागरिक 73 में बना था और अभी परिवर्तन हो रहा है उसमें। उसी ढंग से इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना था, बहुत लंबा समय निकल गया। और इस समय के दौरान जो जो चीजें हमारे सामने आई है, जो कमियां हैं या जो समाज के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, ये जो समाज की अपेक्षाएं हैं हमसे, जुडिशरी जिस ढंग से इवॉल्व हुई है, उन सारी चीजों को लेकर के ये संशोधन किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह लगती है कि ये हमारा खुद का संशोधन किया हुआ है, हमारी खुद की डिमांड है। इन द सेंस कि हमारे पार्लियामेंट ने, जो हमारे चुने हुए लोग हैं, उन्होंने इन संशोधनों पर अपनी स्वीकृति दी है। थर्ड बात जो एसपी महोदया भी कह रही थी कि ये जो पूरा जो संशोधन है, ये विपिन सेंट्रिक है। इन द सेंस कि जो प्रार्थी है जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसकी भावनाओं को आगे लेते हुए जो चीजें आगे बढ़ाई गई हैं, आप देखेंगे इसमें जीरो एफआईआर की बात है, ई एफआईआर की बात है, फास्ट ट्रायल की बात है,